बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते, लेकिन उनको ये तस्वीर आईना दिखा रही है जो बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है। यहां खुलेआम रुपए का लेन देन होता है, जिला निबंधन कार्यालय और अभिलेखागार लिखे स्लोगन के उल्टा सारा काम होता है। रिश्वत लेना देना दोनों अपराध है, पर ये सिर्फ दीवारों पर लिखने के लिए होता है। हाल ही में एक रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इन बाबुओं की काली करतूत देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार की व्याप्ति सर्वत्र है। आप उस गेट से घुसिए, उस हवा में आइए, उस धूल में, हर जगह। और मनमानी है, अफसरों की तो मनमानी ऐसी है। कुछ दिनों पहले शायद कलेक्टर साहब का कुछ अंकुश लगा था, तो शायद उस पर कुछ अंकुश आया था, लेकिन इन दिनों फिर वही रवैया है। जितनी परेशानी हो रही है यहाँ दलालों का जो सिलसिला है, आप किसी भी सर्विस को और किसी भी बात को, जो छोटी समस्या है जो इनके स्तर पर जिसका निपटारा हो सकता है, उसको भी लोक सूची में डाल करके उसको लिंगर किया जाता है, ताकि आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा उगाही हो। और ये दोहन का काम यहाँ, ये हर जगह ये वातावरण केवल मुद्रा मोचन दोहन, ये इसी के लिए बना हुआ है। इतना ही नहीं, इन बाबों को पैसे मनमाफिक नहीं मिलने पर काम नहीं होने की गारंटी होती है, जिसको लेकर आए दिन लोगों के साथ हंगामे की स्थिति होती है और हंगामा हो भी जाता है। हो भी भला क्यों नहीं, विरोध करने वाले और आवाज उठाने वाले कुछ लोग मिल ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ निबंधन कार्यालय में, कुछ लोगों ने हंगामा और तीखी बहस छेड़ दी। बताइए क्या-क्या? मुजफ्फरपुर निबंधन कार्यालय में अस्थायी निबंधन पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण जो निबंधन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा घोर धांधली की जा रही है। जो निबंधन किया जा रहा है वो डिड भी समय पर निबंधन निबंधित होने के बाद लोगों को दिया नहीं जा रहा है। इन लोगों की बातों पर बड़े बाबू मुहर लगा देते हैं। इंसाफ का काम 15 से 20 दिन लेट चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ अवैध लोग भी काम करते हैं, इसकी भी पुष्टि खुद बड़े बाबू ही कर रहे हैं। दे पा रहे हैं? अपना पदाधिकारी नहीं रहने के कारण 10-15 दिन लग जाता है। कितना दिन लेट चल रहा है? लेट नहीं चल रहा है, 10-15 दिन। 10-15? हाँ। जबकि लोगों का कहना है कि महीना महीना दिन लेट हो रहा है। दस्तखत समय से नहीं होता है, जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब होता है समय से। हाँ, पदाधिकारी 3 जगह 4 जगह के चार्ज में है, तो उनकी भी समस्या है कि सब जगह देखना पड़ता है। समय से कहीं ना कहीं काम नहीं होना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही माना जाता है। इसको हम कैसे कहेंगे कि भ्रष्टाचार? महीना दिन लेट चल रहा है सारा। महीना नहीं, पहले 20 दिन, 15-20 दिन। इससे पहले भी यहाँ स्थिति थी जब निबंधन पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हुआ था, लेकिन इसका थोड़ा भी डर यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं है, और फिर उसी खेल में शामिल हो गए निबंधन अधिकारी। ये अधिकारियों के इतने चहेते हैं कि इनको 4-4 विभाग का प्रभार मिला हुआ है, जो जमकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहे हैं। अगर ये स्थिति जिले के कार्यालयों की है, तो सुदूर ग्रामीण अंचलों में चलने वाले उप निबंधन कार्यालयों का क्या होगा? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, ये सब ऊपर से नीचे तक के मिलीभगत से खेल होता है। अपराधी प्रवृत्ति के निबंधक महोदय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, उसके बाद भी जब अभी वर्तमान जो निबंधन विभाग के चार्ज में है DCLR पश्चिमी महोदय, उनका जब क्रियाकलाप, उनकी जब संलिप्तता भ्रष्टाचार में पाई गई, उसकी शिकायत को लेकर हम लोग गए थे आयुक्त महोदय से मिलने के लिए कि भाई हमको अनुमति दीजिए सरकार की ओर से, चूँकि सरकार के किसी भी लोक सेवक पर प्राथमिकी दर्ज करने के पहले अनुमति की अनिवार्यता होती है, प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने इसको कहा कि ठीक है, इसको जन लोक शिकायत को सांग में हम देखेंगे, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं किए।
तो भ्रष्टाचार जो निबंधन विभाग में जड़ तक पहुंचा हुआ है, आए दिन किसी भी काम में, यहाँ तक कि एक रजिस्ट्री भी करानी हो, जो वहाँ के दलाल हैं जो उनको पैसा पहुँचाते हैं उनका निबंधन तुरंत हो जाता है, लेकिन एक शरीफ आदमी को वहाँ आए दिन चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं जब हमने इस अधिकारी से जानने की कोशिश की तो वे हंसने लगे। इन्हें आईने में खुद को देखने की जरूरत है, ये भी मुख्यमंत्री की तरह बोलने लगे और इनके ऊपर लग रहे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत काम दबाव बनाने के लिए काम करते हैं। यदि खास महल की जमीन कुछ रोक सूची में डाली गई है, यदि उनकी रोक सूची में डाली हुई है और उसको गलत ढंग से कराना चाहते हैं तो वो तो नहीं हो सकता है। उसमें बकायदा हमने टीम गठन कर रखा है, 3 सदस्यीय समिति हमारे पास है, 3 सदस्यीय समिति जांच करती है, पुराने खतियान नए खतियान की जांच होती है, आवश्यकता पड़ने पर जीपी की मंतव्य ली जाती है, फिर जिला पदाधिकारी के संचिका में प्राप्त आदेश के आलोक में उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है। अब इसके खिलाफ यदि कोई गलत मनसा से कोई कहे तो फिर उसकी समस्या है, उनकी अपनी आप की समस्या है, मेरे तरफ से कोई समस्या नहीं। और यदि कोई प्रकाश में है तो आप लोग भी बता सकते हैं, स्वागत है। और सारे लोग नहीं, किसी के लिए, पूरे के लिए कभी भी कोई जनता मिल सकता है मेरे से, और किसी पर कोई किसी भी प्रकार का ना तो दबाव है ना कोई प्रेशर है और नहीं है। हाथ कंगन तो आरसी, क्या ये कार्यालय ही काजल की कोठरी है? साहब को कहीं काजल नहीं लगा हुआ है। कथनी और करनी में कितना अंतर है ये समझ में आ रहा है साहब की बातों से। जरूरत है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करना नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी को आम लोगों के बीच साख बचाना मुश्किल होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट।